जी स्क्रिप्ट दे दीजिए। परिवादी विनोद सिंह ने प्रकरण दर्ज कराया था कि मैं साल भर पहले मेरे प्रॉपर्टी संबंधी ऑफिस में बैठा था। उस दौरान अमन व सोनू नाम के दो व्यक्ति आए और बताया कि जुबेर निवासी सेरेटा की कोई सहारनपुर यूपी जिले में ज़मीन खरीदी हुई है, जो कि उसने इकरारनामे से खरीद रखी है, पर उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होने से रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहा। तो हमारा सेठ उसको ज़मीन को खरीदने में इंटरेस्टेड है, आप ये सौदा करवाओ तो आपको भी लाभ मिल सकता है। इसमें उन्होंने मेरे को जुबेर से मिलाया, जुबेर ने भी वो ज़मीन बेचने की इच्छा करी। जुबेर ने जिसे इकरारनामा करवा रखा था उस व्यक्ति से मजीद से मेरे को मिला दिया। मैंने उनके कहने से कमाई के चक्कर में उनसे मजीद से ज़मीन का इकरारनामा कर लिया और उसको 22 लाख रुपये दे दिए और चेक के ज़रिए भी वो चेक दो चेक दिए। उसके बाद उन लोगों का कोई संपर्क नहीं हुआ, मेरे से मतलब फ़ोन बंद आने लगे और मेरे पैसे भी नहीं लौटाए, न कोई ज़मीन का सौदा हुआ। इस प्रकार उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी कर ली। इस प्रकरण में जांच के बाद